तुम्हें पता है थार गाड़ी कौन सी होती है? थार बुक कर ली। क्या बात कर रहे हैं? मीठा थोड़ी होता है। गाइस इसको देखो, ये गई थी अपने पेट्स को रखने और आई है क्या क्या देखना। हमेशा की तरह आज भी लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम सदर बाजार में मम्मी को साथ लेके आए थे। आपको देख सकते हो ये सामान, ये लेने आए नहीं थे वैसे, हम आए थे लेने आटा गूंदने की मशीन, लेकिन यहाँ पे मिली नहीं। वो मिलेगी करोल बाग में या फिर ऑर्डर से बनवाना पड़ेगा क्योंकि हमको चाहिए बड़ा वाला। तो अभी फिलहाल ये सब लेके घर जाना है। मम्मी अभी यहाँ पे तसला ढूंढ रही है या फिर जो भी चीज है, यहाँ से ये फ्री हो जाए हम फिर निकलते हैं। तो मम्मी ने उस दुकान से कुछ भी नहीं लिया, खामो खाम 15 मिनट वेस्ट किया और वो कह रहे कि 100 रुपए का तसला था, वो 300 रुपए बता रहे। पहले कितना बताया था मम्मी? पहले बोला 200 की, पहले बोला चलो ठीक है ले लेते हैं, अब बोल रहे 300, क्योंकि तब लिया नहीं था ना हमने, ना लेके हम चले गए तो उन्होंने रेट बना दिया कि फिर से आए तो मतलब कि ढूंढ बांध के आए होंगे, अब तो लेना ही है। लेकिन उनको नहीं पता हम कुछ और ले रहे थे। थोड़ा सा पैदल चलते मैं थक गया और ये भाई भी थक गया, तो हम पियेंगे भाई यहाँ पे जलजीरा। भैया जलजीरा मिल जाएगा? मिल जाएगा। 3 ग्लास बना दो यार। बाकी यार ये मस्त करके रखते हैं लोग, ठंडा ठंडा मिलता है यहाँ पे। लाइक वैसे कुछ बाहर से कुछ नहीं, लेकिन मटका है, पानी डाल के रखते एकदम ठंडा हो जाता है मस्त। बर्फ अलग से डालोगे क्या? किसी का डाल देंगे ना जो जल्दी हो जाए। ओके, यहाँ पे बर्फ भी डाला जाता है, पिछले वाले में बर्फ नहीं डाला था। मीठा थोड़ी होता है ये, मीठा नहीं होता, मीठा नहीं होता, के अंदर मीठा डाल देंगे स्वाद अलग हो जाएगा। एक्चुअली पता ही नहीं था मम्मी मीठा वाला पिया है ना, सोडा वाटर डाल दो। मस्त यार, गर्मी में मजा आता है पीने में। मम्मी पी के कह रही है मीठा क्यों नहीं है, खट्टा क्यों है, मुंह बन गया क्या हो गया? मीठा ज्यादा कर दिया। ठीक था भैया, ठीक था, थैंक यू, मीठा डाल दिया तो मजा आ गया ना। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो हमरा हो गया काम, गाड़ी सामने लगी है तो गाड़ी में सामान अपना सब डाल दिया। और देख लो कहाँ गाड़ी खड़ी करी है, ये पब्लिक वॉशरूम है, यहाँ पे खड़ी करी है भाई। बड़ी दिक्कत है यहाँ पे पार्किंग की, तो कोई भी सदर बाजार गुड़गांव के साइड आते हो तो फिर गाड़ी मत लेके आओ भाई, खामो खाम में तकलीफ आप ही को होगी, आप गाड़ी को खड़ी नहीं कर पाओ कहीं। इस बात की दुख नहीं मम्मी को कि वो जो लेने आए थे हम आटा डोइंग मशीन वो नहीं मिला, मम्मी को दुख इस बात का है कि एक तसला नहीं ले पाए क्योंकि उसी में अभी आटा गूंदना पड़ेगा। तो चलो गाइस अब निकलते हैं इस भीड़ भड़क्के वाले जगह से, यहाँ से निकलना भी बड़ी मुश्किल वाला काम है भाई। वैसे रास्ता तो बहुत चौड़ा है, लेकिन ये गाड़ी वगैरह ऐसे खड़ी कर देते हैं ना तो भैया भीड़ लग जाती है। अभी बज रहे हैं 5 और जाते जाते 5:30 तो बज ही जाएंगे हमको घर। और अली को जाना है एक शादी में, चाबी है वो अर्पण भाई हमारे लेके आ गए गलती से, तो अर्पण के ऊपर वो गुस्सा कर रहा था, कुछ बोलेगा ही नहीं, कुछ बोलेगा ही नहीं भाई, गुस्सा भी अर्पण भी। अरे आगे देख लो अंकल भाई, अंकल भाई। टाइम हो रहा है अभी 5:18, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन भाई मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही वैसा हो रखा है, क्लाउडी सा, मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। मम्मी कह रही थी सुबह भी बारिश हुई थी, मम्मी सुबह बारिश थी? हाँ, सुबह बारिश बहुत तेज, ज्यादा तेज नहीं थोड़ा सा, तो सुबह बारिश हुई थी तो मैं तो देखा नहीं क्योंकि मैं सोया था भाई, सुबह ही सोया था, तो शाम की बारिश देख लेंगे। और ये साइड में ये बाटा का शोरूम है, जिसको नहीं पता है गुड़गांव में बाटा चौक भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बाटा का शोरूम है यहाँ पे और मस्त बना रखा है। आटा गूंदने वाला मशीन तो मिला नहीं, अब क्या करना? वो तो बोला 2 दिन में मंगा देंगे, अभी तक कॉल आया नहीं, आता है तो ऑर्डर करते, देखते कितने का मिलता है ना। ताला नहीं टूटा फिर? वो किसी अपने दोस्त से कपड़ा लेके फिर गया, अली को जाना था कि शादी में और चाबी लेके हम चले गए थे, तो वो ताला मैंने तोड़ने को कहा था लेकिन ताला नहीं तोड़ा उसने, वो किसी और का फ्रेंड का किसी का कपड़ा लेके फिर गया। पापा ने मना किया था? नहीं, मना किया था। पापा ने नहीं तोड़ने को मना किया ना, पापा ने बोला तोड़ दो, पापा ने कुछ बोला ही नहीं। मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ घूम के, ठीक है? अर्पण अभी आएगा, मैं आ रहा हूँ, है थोड़ा सा घूम के आ रहा हूँ। तो मैं निकल चुका हूँ, अभी मेरे को जाना है एक फ्रेंड के पास, जिसको कि मैं लाइक 1 साल से नहीं मिला हूँ, एंड 1 साल पहले वो व्लॉग में भी थी। हाँ लड़की है, दोस्त है, बहुत स्कूल फ्रेंड है मेरी बेसिकली, तो हाँ बहुत दिनों बाद अभी मिल रहे हैं, बिकॉज वो भी फ्री नहीं थी, मैं भी फ्री नहीं था, बट आज उसको थोड़ा सा मुझसे काम है, बिकॉज उसके कुछ पेट्स हैं तो उनको शिफ्ट करना है किसी फ्रेंड के घर पे, तो बोली कि अगर फ्री हो तो आ जाओ, बहुत दिनों से मिली नहीं, प्लस जो है अपना काम भी हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तो 5-10 मिनट का काम है, तो मैंने कहा चलो मिल भी लेंगे। अभी देख लो रास्ते का हालत, मस्त ट्रैफिक होता है इस टाइम, अभी बज रहे 6 और 6 बजे मस्त एकदम ट्रैफिक होता है, एकदम बढ़िया एक नंबर। जहाँ 5 मिनट का रास्ता होगा ना वहाँ पे कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे ऐसे रास्तों में। तो देखो इस लड़की को क्या कहती है, किडनैपिंग कर दी है। इसका नाम क्या था, मैं भूल गया फिर से, इसका विस्की डालो डालो इसको डालो, डर है कि ये नाखून ना मारे किसको, ला मैं पकड़ता हूं।
तो उसको वो कर देती ना, टेप लगा देती, निकलता नहीं। टेप ना लगा देती इसमें, पकड़ाओगी आप मुझे? जाना उसको पकड़ना, इसको लेके तू सीट पे बैठ, आगे ले लू ना इसको। हाँ, इसको ले, चल तू बैठ, पुलिस की तरफ ले और हाँ, उसके ऊपर। हाँ, काम कैसे चलाए, पैर रख दे उसके ऊपर। हाँ, ऐसे वीडियो नहीं बना पाऊंगा, इसको पहले अंदर डाल देते हैं। तो भाई धूल धूल हो गया, ये है हमारा मिस्टर मिस्टर बिस्की, एंड इसको देखो बेचारे को लॉक कर दिया मिस्टर मेलो को, यानी कि बगीरा हमारा। और ये मिस काजल, फोन मम्मी, मेरा फोन, ये बिस्की, 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 बिस्की। रहने दो, मेरे मम्मी मेरे पास है। चलो चलते भाई, इनको छोड़ के आते हैं। तो भैया जाते जाते जो है बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं सोच रहा था कि भाई जब हम जाएंगे तो रास्ते में बहुत आवाज आएगी गाड़ी के अंदर से भौंकने की, लेकिन भाई ये तो बिल्कुल ही शांत बैठा है बंदा। अरे रे रे, तो पैर जग गया इसका तो। चलो रेड लाइट भी ग्रीन हो गई है, बढ़िया कुत्ता यार डॉगी। तो भैया मेरे तीन मालिक जो है पीछे बैठे हुए हैं, एक तो नीचे बैठा हुआ है, पता नहीं ऊपर भी नहीं बैठ रहा मालिक। मालिक की मर्जी है भाई, एक तो केज के अंदर है बोल सकते हो, जिसमें सब्जी नहीं लेते, सब्जी मार्केट से बास्केट सब्जी वाला, उसके अंदर डाल रखा है बेचारे को। उनके तो अत्याचार कर रहे तुम इन दोनों के साथ भाई। ओ भाई अत्याचार क्यों कर रहे हैं उनके साथ? अत्याचार करना पड़ेगा वरना तुम्हारी गाड़ी की सीट खराब हो जाएगी। लो निकाल दिया। सही है, मस्त कैट है। क्या कर रहा है? नाखून। तो अंदर डाल दे, अंदर डाल दे भाई, रिस्क नहीं लेने का, जरा से भी रिस्क नहीं लेने का। तेरे पैर पे नाखून मार रहा है, तुम्हारी गाड़ी पे नहीं मार रहा। नहीं नहीं, पैर की बात कर रहा हूँ। तो अब सीधा चलते हैं, इनको छोड़ते हैं और फिर वापस आते हैं, मैडम को छोड़ते हैं जो काजल है अपनी दोस्त फ्रेंड पुरानी वाली, उनको छोड़ते हैं और फिर वापस घर चलते हैं। अभी जाना भी जरूरी है क्योंकि मीशो जो है वो गए अपने गाँव, तो हमको रेस्टोरेंट में रुकना पड़ेगा। तो भाई हम पहुँच गए, ये बगीरा को मैंने पकड़ रखा है और बाकी वो जा रही है अपने, क्या है उसका नाम भूल गया यार उस डॉगी का, जो भी है उसको छोड़ने जा रही है। अब नहीं मैं वो कर रहा भाई, सही है। तो अब दोनों पेट्स को वो ले गई, ये बगीरा भी गायब हो गया यहाँ से, और अपना क्या यार डॉगी का नाम भूल जाता हूँ बार बार मैं, जो भी है दोनों को लेके चली गई। अब वो रख के आ जाएगी वापस, अब फिर जाके उसको छोड़ेंगे अपने घर। बेटा फाइनली काम हो गया अपने यहाँ का, अब चलते हैं इसको घर छोड़ते हैं। बिक गई अभी थोड़ी थोड़ी। कितने फ्लोर ऊपर था? 4 फ्लोर में, लिफ्ट नहीं है ना? नहीं। अच्छा हुआ मैं नहीं गया यार, देखो इसके साथ कैसे फूल रही है। तो बेचारी बेचारी दया आ गया मेरे को उसको देख के यार। तो घर की तरफ जाते हुए हम, यानी कि इसके घर की तरफ जाते हुए, और इसने लाइट ऑन करवाया स्पेशली, क्यों क्यों स्ट्रिक के लिए? Yes. इनको सेल्फिया खींचनी है। नहीं तुम गलत बोल रहे हो, सेल्फिया कि एक अच्छा फिल्टर मिला है, अच्छी लग रही हूँ मैं, क्यूट लग रही हूँ। तो बताओ रात कुछ नहीं, अब क्या बोलूँ मैं यार, मतलब मेरे को मजाक उड़ाना था लेकिन उड़ा नहीं पा रहा हूँ, उतना मन से आ नहीं रहा उड़ाने का, मेरे सामने कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। तो फाइनली इसके घर पे आ गए हैं और इसको चाहिए चार्जर, क्योंकि ये चार्जर भूल के आ गई। कभी कभी भूलना अच्छा होता है। कैसी कैसी, अब मैं तब तो चार्ज लूंगी, तभी तो नेक्स्ट टाइम मीटिंग अरेंज होगी। चलाक तो है वैसे, हम चलाक बहुत चलाक। गाइस इसको देखो, ये गई थी अपने पेट्स को रखने और आई है क्या क्या लेके, देखो हाथ में क्या 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 है, गोलगप्पे और वही तो है, इसे क्या बोलते हैं, ढोकला। ढोकला नहीं है, क्या है? रसमलाई। मेरे लिए लेके आई कुछ? ले ले ले, नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूं, मजाक। चलो ठीक है, सिया मिलते हैं जल्द, कुछ प्लान करते हैं। चलो भैया हम भी चलते हैं। तो भाई दी का मैसेज आ गया था, मैंने सीन तो नहीं किया लेकिन ऊपर से दिख गया था कि दी ने बोला था कि मोमोज पैक करके लाना, तो यहाँ मोमोज पैक करवा रहे हैं, मोमोज ले लिया 3 प्लेट। अब चलते हैं अपने दुकान की तरफ। आज पहली बार जब मैं ऐसे गाड़ी खड़ी करने बेसमेंट में घुसा तो इतना अच्छा सुकून सा लग रहा है मेरे को कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ना ऑटो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना कुछ। बिकॉज कल रात को थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, मेरा नहीं किसी और का, बिकॉज मैंने कल रात को बाहर गाड़ी अपनी खड़ी कर दी थी तो किसी और को प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने बोला कि भाई जब अंदर में इतने सारे ऑटो खड़े हैं तो मैं गाड़ी खड़ी कैसे करूँ। तो भाई उसने, उस बंदे ने केयर टेकर को बुला के बहुत सुनाया, बहुत सारा जो है लफड़ा हुआ, तो इस कारण जो है आज देखो मजा आ गया। अब देखते हैं ये चीज कब तक ठीक रहेगी। तो हाँ मोमोज ले लिया मैंने, तो अब चलते हैं दुकान पे। ओ दी तेरे मोमोज। तो गाइज अब बज चुके हैं रात के 11:18 और मेरा ना सर दुख रहा है, लेकिन हाँ जो बात पिछली वाली वीडियो में थी कि भाई मैंने कुछ बुक किया है, वो चीज मम्मी को अभी तक पता नहीं है, डी को भी नहीं पता है, तो अब बताने का टाइम आ चुका है, बता देते हैं, है ना भाई? अर्पण भाई सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बहुत सही है, बता दो। और ये लोगों ने मेरा ब्लॉग नहीं देखा है। माता जी बोलो, तुम्हें पता थार गाड़ी कौन सी होती है?
तो जो यहाँ खड़ा रहता है वो मुन्नू का वो पता है? तो मैंने थार बुक कर दी। क्या बात कर रहे हो? पता ना थार गाड़ी कौन सी होती है? हाँ तो वो बुक कर दी है। ठीक है, पैसा कहाँ से आएंगे? पैसा कमा रहे धीरे धीरे कर रहे। जो दूसरा वाला जो गाड़ी रखता है वो क्या करेगा? वो भी रहेगी, पर एक नया गाड़ी चाहिए था, थोड़ा हल्का सा ऐसा हो ना कि ऑफ रोडिंग भी जा सके, साइड बाइड में भी जाते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। पैसा तो लगेगा, तो तुम खुश हो कि नहीं कि गाड़ी नया ले रहा है लड़का? तो मैं तो हमेशा खुश हूँ, तुम कमा के लो। हम तो यही चाहते हैं तरक्की करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हाथ में क्या लगा रखा तुमने? ये तो आटा गूंदा था, धोया नहीं अभी। मम्मी मेरी बहुत मेहनत है यार। मैं तुम्हें दिखा देना आलसी है। और ये कुछ करती ही नहीं, ये लड़की जो सही हुई है, ये दी बहुत आलसी है, ये दिन भर मोबाइल चलाती है, कुछ नहीं करती ना मम्मी, कुछ नहीं करती ना, करती है, कुछ नहीं करती ना। अरे कुछ नहीं करती, बोलो नहीं करती है, ऐसी बात नहीं है, नहीं करती, नाराज हो जाएगी। नहीं करती ना। भाई तू बता, ये काम करती है? बता, बता तू बता, बता जब्बा जब्बा डर गया है। तो भाई मौसम बहुत ही मस्त हो रखा है, पानी हो रखा है रास्ते में और बारिश हो रही है। छोटे देखो डॉगीज और इसकी मम्मी भी खेल रही है यहाँ पे। ठंडा मौसम हो रखा है, बस अभी मेरे को भीग के जाना पड़ेगा घर। चलते हैं, थोड़ा सा गर्मी का मौसम होता है, बारिश हल्की हल्की पड़ती है ना, मज़ा आ जाता है। हल्की हल्की शहरों पे बारिश गिर रही है, बढ़िया लग रहा है।